देश भर में आज जगह जगह सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती को मनाया जा रहा है। मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में भी सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती मनाई जा रही है। उत्तर भारतीय सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुनील शुक्ला जी भी सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती मना रहे हैं, फूल अर्पित किए हैं मुंबई में। उन्होंने चर्चा करेंगे उनसे, क्या कहना चाहेंगे सर? फूल अर्पित किए हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी को आपने। सम्राट पृथ्वीराज चौहान ये हमारे गौरव का विषय है और वही एक आखिरी हिंदू आप राजा बोल सकते हो कि उनसे हमको जो हौसला मिलती है या शक्ति मिलती है, प्रेरणा मिलती है और कुछ कर जाने की जो हिम्मत मिलती है वो हमारे सम्राट पृथ्वीराज चौहान के द्वारा मिलती है। तो आज उनकी जयंती है, हम शत शत नमन करने के लिए आए हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब जो हिंदू भाई हैं, सनातनी भाई हैं, जितने मेरे क्षत्रिय भाई हैं, मेरे दोस्त हैं जो श्री राजपूत करनी सेना के मुंबई के अध्यक्ष हैं श्री दिलीप सिंह राजपूत, इन्होंने बहुत आलीशान कार्यक्रम किया है और मुझको बुलाया है, तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे कार्यक्रम में आ सका और मुझको सम्राट पृथ्वीराज चौहान के आज नमन करने का मौका मिला है। मैं धन्यवाद करूँगा दिलीप सिंह राजपूत जी को, हमारे खास मित्र भी हैं, और उत्तर भारतीय सेना यानी लगभग पूरे उत्तर भारत जो है उनको समाती है, उनको एक साथ लेके चलती है, संगठित करती है। तो मैं दोबारा धन्यवाद करूँगा आपका दिलीप सिंह राजपूत जी कि हम आपके साथ हमेशा रहेंगे और हर वक्त हम खड़े हो जाएंगे आपके साथ और जब आप बुलाओगे हम हाजिर रहेंगे। करनी सेना की बात करें तो करनी सेना के मुंबई अध्यक्ष दिलीप पृथ्वीराज भी यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने भी सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी को फूल अर्पित किए हैं। चर्चा करेंगे उनसे भी, सर क्या कहना चाहेंगे? आपने भी फूल अर्पित किए और राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर भारतीय सेना के मौजूद हैं आपके यहाँ। जी, मैं दिलीप राजपूत, श्री राजपूत करनी सेना मुंबई अध्यक्ष। हमारे राजा का साल में दो बार जयंती मनाते हैं, आज विधि के हिसाब से आज जयंती थी और हम लोग काफ़ी खुश हैं, काफ़ी लोग आए हुए हैं, बॉम्बे में काफ़ी हलचल है इस चीज़ की और राजस्थान में भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह जी मकराना एंड कलवी साहब जी, ये सब मिलके पूरे देश में आज ट्रेंड किया है सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जयंती को लेके और काफ़ी धूमधाम से सब लोगों ने इसका रिस्पॉन्ड किया है। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं ऐसे कार्यक्रम हर साल करूं और हर जगह हमारे राजा का कोई भी काम आता है बीच में या राजा की कोई भी जयंती आती है, कोई भी हमारे अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी का नाम ले तो आप सब जानते ही है, हर बच्चा जानता है कि उनके किस तरह की उनकी इतिहास रहा है। और मैं अपने सुनील जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि वो आज आए हैं हमारे यहाँ। थैंक यू। देश भर में आज जगह जगह सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती मनाई जा रही है, लोग फूल अर्पित कर रहे हैं। मुंबई की अगर बात करें तो जैसे आपने देखा मुंबई में भी पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती मनाई जा रही है। कैमरा पर्सन बबलू राउत के साथ मैं नियाज खान, एचटीवी न्यूज़। हमें लाइक करें, मुंबई और महाराष्ट्र से जुड़ी हर खबर के लिए एचटीवी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और पाएं ताज़ा तरीन खबरें।